हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हमारा सीएस रैंक रैंडम पुशिंग का एपिसोड नंबर होने वाला है 8, जहां कि हम ग्रैंड मास्टर लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी रैंडम के साथ। तो अभी बात करी जाए तो यहां पर हमारा 90 स्टार हो चुका है और शायद 95 स्टार पे यहां पर ग्रैंड मास्टर भी है, काफी सारे प्लेयर्स का लग चुका है। तो चलो हम भी तैयारी करते हैं कि हमारा भी 95 स्टार पे लग जाए यहां पर ग्रैंड मास्टर। तो ज्यादा देर न करते हुए मैच को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैच की बात करी जाए तो यहाँ पर अपोनेंट ने 1-0 स्कोर कर दिया था और मेरे पास यहाँ पर होने वाली है डेजर्ट ईगल। तो देखते हैं, अगर बंदे आते तो उनको डैमेज देके यहाँ पर नॉक करने का ट्राई करेंगे। वैसे लेफ्ट साइड में शायद एक बंदा आ चुका है, वेट, ये नॉक पड़ा हुआ, इसको फिनिश कर लेते हैं। और इसके पास से हमको बाइजन मिल चुकी है और अभी जस्ट 3 बंदे बचे हुए हैं। एक मेरे सामने ही दिख रहा है, एक बंदा मेरे पीछे आ चुका है। चलो ये तो डाउन हो चुका है, इसका एम पहले पैर पर अटक गया था, बाद में इसको मैंने ख़त्म कर दिया। अभी एक और बंदा मेरे सामने, इसको भी 90 का डैमेज पड़ा है डेजर्ट का। अभी 2v2 फाइट है, एक बंदा उधर साइड गया हुआ है, वेट, इधर से रोटेशन मार के ट्राई करेंगे कि उसको फिनिश ले लें, बट हम सीधा रस तो नहीं कर सकते क्योंकि अगर 2 बंदे निकले तो दोनों बंदे मेरे को फिनिश कर देंगे। तो स्किल ब्लॉक होने का वेट करेंगे, तो यहाँ पर अपने स्किल ब्लॉकिंग भी चार्ज होने वाली है। ओके, उस बंदे की स्किल ब्लॉक हो चुकी है, वो पीछे है एक बंदा, जोन जहां को कटेगा वहां को हमें निकलना पड़ेगा। वेट, ओके, जोन उधर की साइड को कटा हुआ है। तो एक सामने दिख रहा है बंदा, ओके, वो डाउन हो चुका है, आखिरी बंदा बचा हुआ है, बट उस बंदे ने डिमिट्री लगा दिया वहां पर कि दोनों बंदे नॉक है, जस्ट हमको फिनिश करना है इनको। चलो ये भी डाउन, और फाइनली यहां पर पहला राउंड हो चुका है विक्ट्री। अब बात करें दूसरे राउंड की, तो मेरे पास यहाँ पर AWM आ चुकी थी, सामने यहाँ पर से बंदा जैसे ही डैमेज देगा तो उसको डाउन करने का ट्राई करूँगा। ओके, एक बंदा हेडशॉट, हालांकि वो रिवाइव हो जाएगा, बट एनिमीज के 2 बंदे डाउन हो चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। ओके, अपना किल भी आ चुका है, अब जस्ट 2 ही बंदे बचे हुए हैं। स्किल ब्लॉक तो मैंने करा बट किसी का हुआ नहीं, आखिरी का बंदा बचा हुआ है और हमारा भी एक टीम में डाउन हो चुका है। और फाइनली खत्म, तो 2-1 स्कोर हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, तो फैक्ट्री वाला राउंड था, अपना एक टीम में डाउन हो चुका था और बंदे मेरे को सामने से भी डैमेज दे रहा था, हालांकि स्किल ब्लॉक तो मैंने मारा बट किसी को लगा ही नहीं। ओके, एक बंदा आ रहा है सामने से, और भाई इसको क्या हेडशॉट पड़ा एकदम। चलो ये तो फिनिश हो चुका है, अब जस्ट 3 बंदे बचे हुए हैं। ये भी डैमेज, ओके, नॉक हो चुका है, अब जस्ट 2 ही बंदे बचे हुए हैं। तो पहले अपन मेडिकेट कर लेते हैं क्योंकि हेल्थ फुल रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और फाइनली खत्म, तो 3-1 स्कोर हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर। अब बात करें इस वाले राउंड की, तो 2 बंदे तो ऑलरेडी फिनिश हो चुके थे, अब जस्ट 2 ही बंदे बचे थे और हम 3 बंदे बचे हुए थे। सामने एक बंदा, ओके, 145, थोड़ा बहुत और डैमेज है, हालांकि अगर उसको और एक गोली लग जाती तो वो डाउन हो जाता। वेट, ये बंदा यहाँ से बाहर तो निकलेगा ही। फाइनली आखिरी बंदा, और वो जोन में ही एलिमिनेट हो गया। तो फाइनली हमको पहला बुआ यहाँ पर मिल जाता है 4-1 के साथ, और इस वाले मैच के अंदर MVP मैं लेके चल जाता हूँ और साथ साथ हमारे स्टार हो जाते हैं यहाँ पर 90 से 91। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें ये वाले मैच की, तो इस वाले मैच के अंदर हमने 2-0 स्कोर तो ऑलरेडी कर दिया था अपोनेंट का। एक बंदा सामने, उसको थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया, हालांकि मेरे को यहाँ पर ड्रॉप भी चार्ज करना पड़ेगा, और एक और बंदा वहां से निकल चुका है, एक बंदा इस घर के यहाँ पर था,
तो वेट, ओके वो निकल चुका है वहाँ से। तो हमें यहाँ पर जाके ड्रॉप भी चार्ज करना है, अभी 3v3 फाइट है तो ड्रॉप अगर चार्ज हो जाता है तो यहाँ पर हमको AWM भी मिल जाएगी। ओके ये भी नॉक हो चुका है, जस्ट दो ही बंदे बचे हुए हैं। चलो ये भी डाउन, आखिरी का प्लेयर बचा हुआ है 165 और ये भी डाउन। एक और बंदा रिवाइव हो चुका है, तो पहले इसको फिनिश कर लेते हैं। अब जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है, जस्ट उसको ख़त्म करते हैं, हमारा मैच यहाँ पर राउंड निकल जाएगा और फाइनली ख़त्म। तो 3-0 स्कोर हो चुका है। अब 3-0 करने के बाद हमको जस्ट ये वाला राउंड विन करना था ताकि हमारा मैच बुआ हो सके। सामने एक बंदा 145, हालांकि तीन बंदे थे, दो बंदों को तो यहाँ पर 165 पड़ चुका है, एक को 145 और एक को 165, और दो बंदे यहाँ पर डाउन भी हो चुके हैं, जस्ट दो ही बंदे बचे हुए हैं। वेट, स्किल ब्लॉक कर देते हैं। ओके दो की स्किल ब्लॉक हो चुकी है, एक नॉक, कुछ को फिनिश कर लेते हैं पहले। आखिरी का प्लेयर बचा हुआ है और फाइनली खत्म। तो 4-0 के साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है बुया बुया बुया। और इस वाले मैच के अंदर MVP मैं ही लेके चले जाता हूँ, और साथ साथ इस वाले मैच के साथ साथ हमारा स्कोर आता है 91 से 92 स्टार, साथ साथ 3 की स्ट्रिक। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें ये वाले मैच की, तो स्कोर हो चुका था 3-2 और हमें जस्ट इस राउंड को विन करना था ताकि हम कमबैक कर सके। तो सामने बंदा 165, हालांकि वहां पर एक ही बंदा है, बाकी के प्लेयर्स पता नहीं किस साइड पे हैं। वेट वो सेंटर में है। ओके 165, एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ है 145, मतलब उन सबके हेल्थ तो मैंने डाउन कर दिया, उनकी शायद मेडिकेट भी खत्म हो चुकी होंगी। वेट एक और बंदा, ये बंदा मेरे सामने से लग गया, नहीं तो उसे हेडशॉट ही लग जाता। बट वेट 145 नॉक हो चुका है एक और, वहां पर वॉल कर दिया उन्होंने, ग्लू वॉल तोड़नी पड़ेगी अपने को। ओके एक और को डैमेज डाउन, बट वो वहां पर रिवाइव हो जाएंगे, हालांकि दो बंदे डाउन हो चुके हैं। ओके वो नीचे कूदे, वेट यहां से डैमेज देकर डाउन करेंगे। चलो ये तो डाउन था, इसको फिनिश कर लिया हमने। अब जस्ट तीन बंदे बचे हुए हैं, एक बंदा वहां से कूदने की तैयारी कर रहा है। चलो ये भी डाउन, आखिरी का प्लेयर बचा हुआ है और फाइनली खत्म। तो 3-3 स्कोर बराबर हो चुका है। अब यहाँ पर 3-3 स्कोर बराबर होता है, सामने मेरे को बंदे दिख जाते हैं, एक को 145, एक और को थोड़ा बहुत MP40 से डैमेज, दो बंदों को मैंने यहाँ पर 150 का डैमेज दे दिया है और वो दोनों बंदे ही नॉक हो चुके हैं। तो एक आखिरी का जस्ट बंदा बचा हुआ है और उस बंदे को फिनिश करते ही हमारा ये वाला मैच बुआ हो जाएगा। तो वेट वो बंदा पता नहीं किस साइड पर है, अपने टीममेट्स को छोड़ के भाग गया। ओके ये रहा, मिस हो गया, वरना उसको एक 145 का डैमेज तो पड़ जाता। ओके वो ऊपर चढ़ चुका है, वेट यहां से एम आता तो मैं उसको ले लेता, बट एक मिनट ऊपर चढ़ के देखते हैं यहां से अगर आता है तो। यहां पर से भी एम नहीं आ रहा उस पर, वेट आगे जाके खत्म करते हैं। स्किल ब्लॉक अपने पास है तो ऊपर चढ़ के स्किल ब्लॉक भी मार देंगे। स्किल तो उसकी ब्लॉक हो चुकी है, अब जस्ट को खत्म करना है हमको। भाई इस भाई ने मेरे आगे से ही बॉल मार दी और फाइनली वो खत्म। तो यहाँ पर 4-3 के साथ ये वाला मैच भी हमारा निकल जाता है बुया बुया बुया। और इस वाले मैच के अंदर रैंडम टीममेट यहां पर MVP लेके चला जाता है, साथ साथ हमारे स्टार आते हैं 92 से 93 और साथ साथ 4 की स्ट्रिक। अब बढ़ते हैं अगले मैच की ओर। अब बात करें ये वाले मैच की, तो इससे पहले हमारी स्ट्रिक टूट जाती है और हमारा माइनस नहीं होता क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन पॉइंट था इस वजह से, हालांकि एक बंदे को डैमेज देके मैंने डाउन तो कर दिया है। वेट इसको फिनिश कर लेते हैं, एक और बंदे ने मेरे को काफी सारा डैमेज दे दिया, मैं जस्ट 20 के HP का बच गया हूँ। कुछ को फिनिश कर लेते हैं,
जस्ट दो ही बंदे बचे हुए, एक बंदा ये रहा। इसको भी मैंने काफ़ी सारा डैमेज दिया। ओके, वो भी नॉक हो चुका है। सोनिया एक्टिव हो चुकी थी उसकी, बट मुझे पता नहीं लगा। खैर, अब जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ है और इसको भी काफ़ी सारा डैमेज, और मेरे टीममेट ने यहाँ पर किल ले लिया। खैर, हमारे दो राउंड विन हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले राउंड की ओर। तो ये वाले राउंड के अंदर हम ऊपर चढ़ने की ट्राई कर रहे थे कि यहाँ से चढ़ के इन बंदों को ख़त्म करके फटाफट भूया लिया जाए। तो एक बंदा तो अपोनेंट का डाउन भी हो चुका है। वेट, स्किल ब्लॉक कर देते हैं। एक की स्किल ब्लॉक हो चुकी है उधर। अपना टीममेट यहाँ पर नॉक हो चुका है। वेट, इसको रिवाइव कर देते हैं पहले। चलो, अभी एक बंदा उस साइड पे है और एक और बंदा पता नहीं किधर है। वेट, और फाइनली विक्ट्री। तो 3-0 स्कोर हो चुका है यहाँ पर। अब बात करें इस वाले राउंड की, तो जस्ट एक आखिरी का बंदा बचा हुआ था और मेरे टीममेट ने सारे प्लेयर्स को यहाँ पर ख़त्म कर दिया था। मतलब कि 3 बंदे डाउन कर दिए थे, अपने भी एक बंदा डाउन हो चुका है। तो वेट, ये बंदा यहाँ से निकलता तो मैं इसको ख़त्म कर देता, बट चलो पहले अपने टीममेट को रिवाइव दे देते हैं। चलो, ये तो रिवाइव हो चुका है। और वो आखिरी बंदा पता नहीं किधर है, उस साइड ही था वो ऐसे हो। और फाइनली ख़त्म। तो यहाँ पर हमारे टीममेट ने क्वाड्रा किल कर लिया है और साथ साथ हमें मिल चुका है यहाँ पर बूया, वो भी 4-0 के साथ। और इस वाले मैच के अंदर भी रैंडम टीममेट यहाँ पर MVP लेके चले आता है, बट यहाँ पर मैं सोच रहा था कि आखिरी वाले मैच को मैं यहाँ पर MVP लेके जाऊँ, बट वो होता ही नहीं है। खैर, हमारे 95 स्टार तो कम्प्लीट हो चुके हैं। तो गाइज, फाइनली हमारा यहाँ पर लग चुका है ग्रैंड मास्टर 1, और फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, वो भी रैंडम पुश के साथ। तो स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। चलो, तो फाइनली गाइज, अब इसके बाद के एपिसोड शायद हम टीम के साथ पुश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रैंडम के साथ मैचमेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो गाइज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।